Very good morning students, welcome to our YouTube channel. Today I am going to take in 7th standard chapter 6 administrative system and architecture during the middle age. Okay, one story it is given. One small child, he is asking to her grandfather that he wants to eager to know about the Palis and the people in the medieval age. So Kasam means lok dairo, a group of folk singers, was organized in the village square, it means chowk, and the entire village had gathered there at night. Ek gaon mein jo chowk hota hai wahan sabhi log ikatthe hote hain aur jo folk song jo hai folk dance wagaire jo wahan pe jo hai wo मनाते हैं. स्मॉल चिल्ड्रेन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजिशन इन द फ्रंट रो. छोटे छोटे बच्चे पहले ही आगे जाके जो है बैठ जाते हैं. पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वेयर ऑल्सो बींग संग एट द लोक डायरो, और लोक डायरो में जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी वो जो है गाते हैं. उत्सव लाइक द पालिया रिक्टल सॉन्ग संग्स इन ऑनर ऑफ मार्टिर्स very much. The next day he asked his grandfather, what does palia means? His grandfather told him that a palia is a memorial commemorating the heroes. It is a life's while protecting and ensuring the welfare of the people. पालिया क्या है? वो जो हीरोज थे जिन्होंने हमारे लिए, पीपल्स के लिए, गांव के लोगों के लिए कई सारी जो उन्होंने सेवाएं दी है. दिस पालियाज आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सॉन्ग आर संग एज होमेज टू दिस मार्टिर्स. और ये जो सॉन्ग वगैरह जो है उन्हें गाते हैं, ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि देते हैं. सो दिस इज़ द कल्चर ऑफ आवर कंट्री. तो ये जो है हमारी क्या है, कल्चर है हमारे कंट्री के. उत्सव एंड हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर प्लीज एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री. और उन्हें एक ईगरनेस हो रही थी और भी जो है कल्चर के बारे में जानने के लिए. सो वेट सेड ग्रैंडपा, ही वेंट इन एंड केम बैक with some picture he taken, then asked Utsav, can you see temple in this picture? It seems as if these stones have their own stories to narrate it. So today I shall tell you about the civilization and culture of the Rajput age. So grandfather hai wo Rajput age ke bare mein जानकारी देने दे रहे हैं. सो हियर पालिया हीरो स्टोन, हियर यू कैन सी द पिक्चर इन योर बुक, इट इज गिवन सम मोर पिक्चर इट इज हियर सो दैट यू कैन नो अबाउट द हीरोज ऑफ दैट टाइम, राइट. सो स्टूडेंट्स, राजपूत एज जो दादाजी बता रहे थे कि राजपूत एज के बारे में वो बताएंगे. सो नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज. ओके, सो ड्यूरिंग द राजपूत एरा इंडिया वॉज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग. इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल स्टेट्स. इंडिया जो है रूल होता था, रूल ओवर एनी वन किंग, बट इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल स्टेट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ ईच किंगडम डिपेंडेंट ऑन द किंग्स मिलिट्री प्रोवेस. और जो रूल थी वो किंग है या मिलिट्री है उनके पावर के अंडर थे. यू हैव बीन briefed about the Rajput kings and dynasties in the previous chapter, or already you have know about the Rajput age. Okay, so in this chapter you will learn about their administrative system, literature, architecture and external invasion
during that time. And in this chapter, you will learn about the administrative system, literature or architecture, जो है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सो आफ्टर द 7th सेंचुरी वेरियस राजपूत डिनास्टीज रूल्ड इन इंडिया. ओके, 7th सेंचुरी के बाद में कई सारे जो है डिनास्टी रूल्ड से दो इंडिया में रूल किए हैं. हाउ एवर इवन दो डिफरेंट डिनास्टीज केम टू पावर देयर वॉज लिटल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. और जो है कई सारे लिटिल बिट चेंजेस हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में. थ्रू किंगशिप वॉज हर्डिटरी, इट वॉज नॉट कंपल्सरी डेट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग. और ये कंपल्सरी नहीं था कि राजा के जो वारिस है उन्हें राजा बनाया जाए. द हेयर एप्रिट सिलेक्टेड बाय द किंग वॉज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस. उसे कहा जाता था क्राउन प्रिंस. इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर्स इलेक्टेड और सिलेक्टेड देयर किंग. फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर किंग यशोकरा वॉज सिलेक्टेड एंड एंट्रोल्ड बाय द ब्राह्मिन ग्रुप. ब्राह्मिन ग्रुप जो है ये एंट्रोल्ड हुए थे और कुछ राजा को सिलेक्ट किए थे. इन गुजरात कुमारपाल वॉज सिलेक्टेड एज द सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और कुछ जो है जैसे गुजरात में कुमारपाल वो है सिलेक्ट हुए थे सिसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू जो है कुमारपाल को गद्दी सौंपी गई थी. नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज. नाउ सेकेंड टॉपिक इन द विलेज कैसा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क होता था. विलेज इंस्टीट्यूशंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. सो द पंचायत लुक आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज में जो है पंचायत होता था, पंचायती राज चलता था. द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच. और जो गांव के जो मुखिया होते थे उसे हम मुखी कहते थे, जो रूल करते थे मुखी या तो फिर सरपंच. एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स. और उनकी ड्यूटी बनती थी कि लोगों को एक प्रोटेक्टिंग करे, सारी सेवाएं जो है प्रदान करें. हिज वॉज द फाइनल वर्ड. स्टिल इन मैनी केसेस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वर्डिक्ट एंड पनिश कल्प्रिट. और जो है पनिशमेंट भी जो है मिलती थी जो कल्प्रिट होते थे. इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल. और अभी भी जो है गांव में पंचायती राज जो है चलता है. नाउ एट द टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम. आज भी जो है लैंड रेवेन्यू उनके जो है किंगडम का एक हिस्सा है. ईच किंगडम हैड डिफरेंट वेज टू कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू बट यूजली द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू. वो भी जो है सिक्स्थ पार्ट लैंड रेवेन्यू जो है देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वेयर ऑल्सो लिव्ड ऑन द पीपल. और भी जो है कई सारे टैक्सेस वो है लेते थे. डिफरेंट ऑफिसर्स वेयर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. मोर ओवर टैक्सेस वेयर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स. और भी जो है ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे टैक्स लेना. लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग्स. और जो लैंड लॉर्ड्स थे वो भी टैक्स पे करते थे अपने
किंग्स को. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज टूडेज अवर टॉपिक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज. सो लेटर ऑन सम मोर टॉपिक वी विल स्टडी. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.